श्री कृष्ण स्कूल महेंद्रगढ़ में 3 दिवसीय खंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ। खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता में पहले दिन विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धा का किया आयोजन। खेल हमारी संस्कृति की पहचान ही नहीं अपितु मानव जीवन का आधार है। रमेश चंद। श्री कृष्ण स्कूल महेंद्रगढ़ में 3 दिवसीय खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि AUMO रमेश चंद मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं अध्यक्षता स्कूल प्राचार्य वीरेंद्र सिंह द्वारा की गई। इस बारे में जानकारी देते स्कूल खेल प्रबंधक सोमदत्त शर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण स्कूल महेंद्रगढ़ में 3 दिवसीय खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें खंड स्तरीय स्कूल की टीम ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि पहले दिन अंडर 14, 17 व 19 आयु वर्ग के लड़कियों ने खेल प्रतिस्पर्धा में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। परिचय करवाएं। मेरा नाम रमेश चंद्र है सर, डीओ ऑफिस नारनौल, AUO के पद पर कार्यरत हूं मैं। सर, ये श्री कृष्णा स्कूल में जो खेल का आयोजन किया जा रहा है जी, तो ये कौन कौन से खेल होने वाले हैं और कितने दिन तक चलेंगे सर? ये 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक खेल यहाँ से चलेंगे सर। इसमें 10 गेम है, फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, जिमनास्टिक, कबड्डी, खो खो, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग। तो ये सर ब्लॉक स्तर पे है, इसके बाद जिला स्तर पे भी कार्य। जिला स्तर पर 8 से 10 तारीख तक होंगी सर इसका प्रतियोगिता। तो वो जो जगह है वो कहाँ निश्चित की गई है? उसकी जगह अलग अलग गेम अलग अलग जगह बांटी हुई है सर। जो मेन जो गेम है वो है हमारे यहाँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ककराड़ा में कनीना, और कुछ जो इंडिविजुअल गेम है वो अलग अलग स्कूलों में डाले हुए हैं। जी श्री कृष्णा में है बॉक्सिंग, और ये यदुवंशी में है बास्केटबॉल, और आप इधर जाओगे फिर वो कनीना की तरफ तो वही फिर SD ककराड़ा में है, 3-4 गेम वहाँ है, ताई कमांडो, कराटे और ये जुडो, उसके साथ में ये वेट लिफ्टिंग और ये भी है साथ वहीं। इसमें कौन कौन से स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे? इसमें पूरा अपने जो महेंद्रगढ़ जिले से जितने भी स्कूल है प्राइवेट या सरकारी, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के 732 स्कूल लगभग हैं सर ये, तो इनमें से जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं लेटर में यही निकाला हुआ है कि सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों ने 2 टीमों के साथ भाग लेना अनिवार्य है। यहाँ से गेम जीत करके बच्चे कहाँ जाएंगे, आगे क्या लेवल होगा उनका? यहाँ से पहले हम अब जो ये टूर्नामेंट जिसमें आपसे हमारा जो संबोधन चल रहा है, इस संबोधन में हम आपको बता रहे हैं कि ये ब्लॉक लेवल की टूर्नामेंट है। इसके बाद में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता होगी, उसके बाद में 19 तारीख से स्टेट की टूर्नामेंट शुरू हो जाएंगी, जिसमें बच्चों का यहाँ से जीतने के बाद वो टीमें स्टेट खेलने के लिए जाएंगी। और आपके उस नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि हाँ, आपके महेंद्रगढ़ में भी 30 सितंबर से लेकर 1-2 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसमें बेसबॉल जो है अंडर 14, 17, 19 बॉयज़ की, उसका जो है शुभारंभ श्री कृष्णा स्कूल में ही होना है महेंद्रगढ़ में, और जो योगा है बॉय ओनली गर्ल्स, वो बॉयज़ और गर्ल्स की, उसका जो है शुभारंभ जो है ना आपके यदुवंशी शिक्षा निकेतन में होना है। और ये दोनों स्कूलें बहुत अच्छे हैं, उन बच्चों के लिए प्रबंध करते हैं रहने का भी, आवागमन के लिए भी, जहाँ भी इनको भेजना होता है बच्चों को तो उसी टाइम तुरंत ये जो है ना अपनी तरफ से बस की सुविधा जो है ना तुरंत उपलब्ध करवा देते हैं। तो यहाँ श्री कृष्णा स्कूल में किस तरह का मैनेजमेंट है, किस तरह की तैयारी की जाए? बहुत बढ़िया तैयारी करवाते हैं सर, बच्चों की भी और आने वाले साथियों का भी बहुत अच्छा आदर सम्मान रखते हैं। पानी की व्यवस्था है, खाने का भी व्यवस्था है, फिर चाय पानी की अलग से और भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी सुविधाएं जो साथियों को दी जाती हैं उनको लगभग ही अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ग्राउंड की वो है, मेजरमेंट रखी है, अच्छी सफाई है, पानी का प्रबंध है, मैच के तुरंत बाद जो है ना पानी डाल दिया जाता है खेल मैदान में, ताकि बच्चे का नीचे से पैर जो है ना गर्म होकर के छाले वगैरह करना ना बने। तो बहुत अच्छी सुविधाएँ हमें यहाँ प्रोवाइड करा रही हैं। ठीक है, ठीक है सर। जैसे ये जो आपके 3 दिवसीय यहाँ पे गेम हो रहे हैं, किस किस के गेम हो रहे हैं और कितने स्कूल के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर, श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ में खंड स्तरीय खेल का आयोजन किया जा रहा है, और इसमें कबड्डी और वॉलीबॉल की टीम यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है, और दूर दूर स्कूलों से यहाँ टीम लेकर के DPs पहुँचे हुए हैं। तो मैं उन सबको अपनी तरफ से, विद्यालय की तरफ से शुभकामनाएँ देता हूँ, और आशा करता हूँ कि भी अच्छे से अपने खेल का संपन्न करवाएं।